Hello friends, today we are going to learn the concept of this keyword in JavaScript. So this is the most complicated and misunderstood concept in JavaScript. आज मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सरल तरीके से मैं this keyword को explain करूँ so that ये video देखने के बाद this के बारे में जो misconception है वो आपके दूर हो जाएं और आप एक अच्छा concept this के बारे में लेकर जाएं। So without wasting time, let's get started. So जो concept है this का JavaScript में वो इतना complex इस वजह से है क्योंकि जो this की value है वो change होती रहती है। तो मैंने net पे जितनी भी definition देखी वहां से मुझे ये definition सबसे concise और precise लगी जो this को बहुत ही अच्छे तरीके से define करती है। So जो this की value है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑन विच द मेथड और फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। सो इस डेफिनेशन का मतलब है अगर हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं कई जगह से तो हर बार दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट होगा। तो आइए इस डेफिनेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सो ये मैंने कोड एडिटर खोल लिया है एंड लेट मी ओपन कंसोल। ओके अब इसकी जरूरत नहीं है, कंसोल को बड़ा करते हैं, कोड में चलते हैं और इसको थोड़ा साइड में एडजस्ट करते हैं। सो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं पर्सन एंड इसका कुछ नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। एंड मैं एक मेथड बनाता हूं शो नेम और इस शो नेम के अंदर बस मैं एक कंसोल लगाऊंगा जो बस इस नेम को प्रिंट करेगा और मैंने यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दिया। तो यहाँ पे जो दिस का कॉन्टेक्स्ट है वो इस नेम को रिफर कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिपीट करूँ और मैं यहाँ पे एनिमल कर देता हूँ और नेम कर देता हूँ लॉयन, तो यहाँ पे जो दिस का कॉन्टेक्स्ट है वो इस नेम को रिफर कर रहा है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने पहले देखी थी, द वैल्यू ऑफ दिस चेंजेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑन विच दिस इज बीइंग कॉल्ड। सो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एनिमल और पर्सन। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पर्सन डॉट शो नेम एंड एनिमल डॉट शो नेम, तो यहां पर मुझे दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। एक्स वाई जेड एंड लॉयन, बट मैं यहां पे दोनों जगह दिस डॉट नेम कर रहा हूं। सो यहां पे जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो ये डिस्क्राइब करना चाह रही थी। सो ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब हम दिस के पांच एग्जांपल्स देखेंगे कि पांच अलग अलग जगह दिस कैसे बिहेव करता है और वो पांच जगह कौन सी हैं? ये है वो पांच जगह। इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस क्या रिफर करता है। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का मतलब एक मेरी ये पूरी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है app.js, अगर मैं यहाँ पे दिस को लॉक करता हूँ तो ये एक हमें विंडो ऑब्जेक्ट देगा। सो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस की बात करें तो वो एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम दिस को एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ show this and console.log this और इसको मैं कॉल करता हूं। यहां पे भी this विंडो को रिफर कर रहा है। तो अगर हम एक फंक्शन के अंदर this को यूज करते हैं सिंगल फंक्शन के अंदर तो this विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। अगर हम ग्लोबल फाइल में यूज करते हैं तब this विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करता है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस क्या रिफर करता है। सो
एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है मींस लाइक इट इज प्रिफर्ड वे कि जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो. एंड मैं यहाँ पे बस एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस. एंड यहाँ पे अब मैं इसे इन्वोक करता हूँ इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, const x is equal to new show this. अब एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो दिस का रेफरेंस होता है वो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रेफरेंस होता है. यहाँ पे ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दूँ then ये syz. So inside a constructor function, this refers to the constructor function itself, like the objects inside the constructor function. अब देखते हैं कि और एक object function के अंदर this किसे refer करता है. So मैं एक object बनाता हूँ यहाँ पे, const again person is equal to a object and let me assign a name to it, say hello. Enter, show name, console.log this dot name. So यहाँ पे जो this है वो refer करेगा इस object को. So let me call person dot show name. यहाँ पे जो दिस है वो इसे रिफर कर रहा है. अगर मैं इसे हटा दूं देन सो हमने ये देखा कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस रिफर करता है विंडो को, एक फंक्शन के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो भी अंदर हमने कीज डिफाइन की है उसको, ऑब्जेक्ट में उस खुद ऑब्जेक्ट को. अब देखते हैं इनर फंक्शन में दिस क्या डिफाइन करता है. अगर मैं यहीं पे एक इनर फंक्शन बना दूं, तो यहां पे जो दिस रिफर करेगा वो विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा. ओह शिट, इसे मैं ऐसे कर लेता हूं. सो सी लाइक एक इनर फंक्शन में जो मेरा दिस कीवर्ड है वो विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है. अब हम देखते हैं कि यूज स्ट्रिक्ट में दिस कीवर्ड कैसे बिहेव करता है एक फंक्शन के अंदर. सो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन शो नेम एंड कंसोल डॉट लॉग दिस यूज स्ट्रिक्ट. तो यहां पर जो दिस का रेफरेंस होगा वो अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि जब ES3 या ES4 आया था तब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था दिस का और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का. तो तब एक्मा के पास ये कंसर्न था मे बी डेवलपर्स कंफ्यूज हो जाएं या भूल जाएं न्यू कीवर्ड को कॉल करना या लिखना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, बिकॉज जो ये दिस का यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शन में काफी ज्यादा होता है. तो इस वजह से स्ट्रिक्ट मोड में दिस की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है. So, अगर मैं बात करूं एरो फंक्शंस की, सो एरो फंक्शंस का अपना कोई स्कोप नहीं होता, वो हमेशा अपने पेरेंट के स्कोप को रिफर करते हैं. सो इनमें से कुछ कैटेगरीज एरो फंक्शंस के लिए इनवैलिड है, तो मैं वो हटा देता हूं. और आई थिंक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम एरो से क्रिएट नहीं कर सकते. सो बेसिकली हमारे पास तीन सीनेरियोज हैं एरो फंक्शंस का यूज देखने के लिए. तो सबसे पहले हम एक फंक्शन के अंदर देखते हैं. दिस और अब मैं x को कॉल कर लेता हूं. तो यहां पे जो x का पेरेंट स्कोप है वो है विंडो ऑब्जेक्ट. तो यहां पे जो दिस है वो विंडो है. अगर मैं इसे एक ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर डाल दूं, फॉर एग्जांपल
तो यहाँ पे जो दिस डॉट नेम होगा वो अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि इस एरो फंक्शन के पास कोई दिस कीवर्ड का रेफरेंस होता ही नहीं है। इसका जो दिस है वो हमेशा पेरेंट को रिफर करता है, तो इसका पेरेंट है विंडो ऑब्जेक्ट, तो ये विंडो को रिफर करेगा, और विंडो में कोई नेम है नहीं तो ये अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड ओके, इसे से हटा देते हैं। सो ये यहाँ पे दिस डॉट विंडो ऑब्जेक्ट है, और जो मैंने नेम किया वो ब्लैंक आ रहा था, अनडिफाइंड नहीं, क्योंकि विंडो के पास एक नेम प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये जो एम्प्टी होती है, सो नेम इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम एक इनर फंक्शन में देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या रिफर करता है। तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ इनर फंक्शन, कंसोल करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। सो जब हम इसे लॉग करेंगे तो वैल्यू लॉग होती है विंडो विंडो, बिकॉज शो नेम में पेरेंट है दिस जो है विंडो, और इनर फंक्शन में जो दिस है वो रिफर करेगा पेरेंट को, और ये दिस क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेम को रिफर करूँ तो मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बना दूंगा। So, अब मेरा जो ये इनर फंक्शन है ये विंडो को ना पॉइंट करके इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शंस का अपना कोई स्कोप होता नहीं, मींस एरो फंक्शंस में दिस का कोई स्कोप नहीं होता, हमेशा वो पेरेंट को पॉइंट आउट करता है। शो नेम का जो पेरेंट है वो हो गया ये लाइक एक्स वाई जी, और इनर फंक्शन का जो पेरेंट है वो हो गया शो नेम। बट यहाँ पे क्या है, हमने एरो फंक्शन यूज नहीं किया, यहाँ पे ये नॉर्मल फंक्शन है। तो जो यहाँ पे जो दिस है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर का रेफरेंस रखेगा, और वही रेफरेंस इसका पेरेंट बन जाएगा। सो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। मैं सारा कोड रोल बैक कर देता हूँ, मुझे बेसिकली अपने वो 5-6 सिनेरियोस चाहिए जो हमने आज सीखे। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस विंडो होता है, एक फंक्शन के अंदर दिस विंडो होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इनसाइड ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, इनर फंक्शन में विंडो को रिफर करता है, और अगर स्ट्रिक्ट मोड है नॉर्मल फंक्शन है तो दिस अनडिफाइंड होगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में। सो मैं ये कोड हटा देता हूं और एक एक करके मैं यहां क्वेश्चंस का कोड ऐड अप करता हूं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक की है और अंदर एक मेथड है जिसको मैं बाहर से कॉल कर रहा हूं। तो मैं 2 सेकंड के लिए वेट करता हूं, तब तक आप लोग इसके आंसर सोच लो, देन मैं इसको कॉन्सोल में लॉक करता हूं। ओके, सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। सो इसका आउटपुट है हेलो अर्थ, सो दैट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर दिस का जो रेफरेंस होता है वो उस ऑब्जेक्ट का होता है, और यहाँ पे दिस डॉट हम मैसेज कर रहे हैं जो कि इसे रिफर कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। अगेन मैं थोड़ी देर का पॉज ले रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। सो यहां पे 2 बार सिल्वी सिल्वी लॉग हुआ,
इस एग्जांपल में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो दो लाइनें हैं ये बस लिखने का अलग अलग तरीका है। इस लाइन में लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 11 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि दो बार सिल्वी सिल्वी क्यों लॉग हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विंडो क्यों नहीं लॉग हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पेरेंट है वो तो विंडो होना चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंस एक नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये है कि जब मैं इस फंक्शन को न्यू के साथ कॉल कर रहा हूँ तो जो दिस कीवर्ड है ये यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रिफर कर रहा है, जिस वजह से ये दिस विंडो को ना रिफर करके उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रिफर कर रहा है जिसमें नेम की वैल्यू है सिल्वी। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं क्या उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लॉक कर सकता हूं क्या किसी तरह। यहां पे मैं वेरिएंट को लॉक करता हूं। एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। नेम है, गेट नेम है, जो दिस डॉट नेम मीन्स लाइक इसको रिफर कर रहा है। और इसके प्रोटो में देखता हूँ लाइक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यस नॉर्मल कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके स्कोप में इसका ग्लोबल स्कोप है विंडो ऑब्जेक्ट, और इसका जो पहला स्कोप है लाइक इसका जो पेरेंट है वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसमें है नेम, गेट नेम एंड गेट नेम लाइक दिस। इस वजह से यहाँ पे मुझे दो बार सिल्वी सिल्वी दिखा, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है। अगर एक नॉर्मल फंक्शन होता तो हमें वहाँ विंडो ऑब्जेक्ट मिलता। देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। अगेन यू मे पॉज द वीडियो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करता हूँ। इसका आउटपुट आता है अनडिफाइंड 1 सेकेंड बाद। दैट इज लाइक अगेन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे एक पैकेट है जिसमें मैसेज है कैंग इज कमिंग। एंड मैं इस मैसेज को, इस लॉग मैसेज को 1 सेकेंड बाद कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा है पैकेट डॉट लॉग मैसेज। सो बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, ये लाइन रिप्लेस हो जाएगी इससे। और यहाँ पे फंक्शन, सो बेसिकली ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया जिसके अंदर अगेन दिस क्या विंडो को रिफर करेगा और विंडो के अंदर मैसेज अनडिफाइंड है। सो लेट मी मूव टू अनदर एग्जांपल। सो अगेन आई थिंक आई मिस सम लाइन। ओके अगेन यू मे पॉज द वीडियो बिकॉज आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम राइट नाउ। सो अगेन दिस इज लाइक द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। लाइक हेयर दिस रिफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज हु, सो हु अर्थ, हेलो अर्थ। एंड यहाँ पे अगेन एरो फंक्शन है, वो पेरेंट स्कोप को पॉइंट कर रहा है तो अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो अब मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और उसमें एक मेथड है जिसमें मैं एक कॉल बैक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ और उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया, कॉल बैक पास कर दिया। अब यहाँ पे जो कॉल बैक है ये एक फंक्शन है जो दिस डॉट लेंथ मुझे रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं इस जो कॉल बैक यहाँ पे आ रहा है बेसिकली वो ये कॉल बैक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये क्या हो गया, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और एक और फंक्शन इनर फंक्शन किसे रिफर करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे विंडो में मैंने लेंथ सेट कर रखी है लाइक ग्लोबल स्कोप में 4, तो ये यहाँ पे 4 रिटर्न कर देगा। ऑब्वियस है ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने कोड चेंज कर दिया।
So now next. So this is the most classical example of this keyword. जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि हम मीन्स लाइक दिस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी डेफिनेशन बदलता रहता है. सो हम मैन्युअली लाइक दिस बता सकते हैं कि लाइक ये तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, तुम्हें इस कॉन्टेक्स्ट में रन करना है. सो फॉर एग्जांपल एक लॉग मैसेज है और एक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैथड है ये इसको पॉइंट करे, तो मैं जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ कॉल, और मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को रिफर करना है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करता हूँ लॉग मैसेज डॉट कॉल, और मैं इसमें पास कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट को. सो इसका मतलब है कि इस लॉग मैसेज के लिए जो दिस होगा वो ये होगा. सो यहाँ पे हेलो अर्थ. सो ये एक तरीका है जिससे हम मैन्युअली दिस का कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं. कॉल के अलग अलग वेरिएंट्स हैं लाइक कॉल, अप्लाई और बाइंड. इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए. सो अगेन आज का लास्ट एग्जांपल, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. इसको मैं बिना रन किए हुए साथ में सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फू है, की है जिसकी कुछ वैल्यू है, फंक्शन है अगेन लाइक अ फंक्शन, एंड हमने एक वेरिएबल में दिस का स्कोप डाल दिया है. सो यहाँ पे जो तो दिस डॉट फू ये दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दिस से रिफर करेगा और सेल्फ दिस है. सो फोकस करने वाली चीज ये है. अब अगेन लाइक ये एक इफी है इन सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन, बट अगेन है तो ये एक इनर फंक्शन. इनर फंक्शन में दिस होता है विंडो ऑब्जेक्ट, दिस डॉट फू अनडिफाइंड, सेल्फ डॉट फू बार. सो लेट्स रन इट. बार बार ये तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एंड यहाँ पे दिस डॉट फू अनडिफाइंड एंड ये अनडिफाइंड. सो अगेन लाइक मैं अपने 6 कॉन्टेक्स्ट रिपीट कर देता हूँ जो हमें दिस के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत एक मींस लाइक काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस होता है विंडो, एक फंक्शन के अंदर विंडो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कीज, ऑब्जेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, एक इनर फंक्शन में विंडो ऑब्जेक्ट, और अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो फंक्शन के अंदर अनडिफाइंड, और वो फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए. अगर वो एरो फंक्शन है तो अगेन पेरेंट स्कोप. सो लेट मी नो इन कमेंट्स इफ लाइक कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सिनेरियो समझ में नहीं आया. आई विल ट्राई टू आंसर देम इन कमेंट्स.